गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ अभी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ कि रियल टाइम एक्चुअली में अभी कितना हो रहा है। अभी 5:16 हो रहे थे और अभी मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। और सबसे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना आज मैं पढ़ने वाली हूँ भारत की नदियाँ। और आज था 5 नवंबर, तो आज ना ज्योग्राफी कंप्लीट करने का लास्ट टारगेट था मेरा। बहुत कम टॉपिक बचा हुआ था, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉपिक था, तो अभी पढ़ लूँगी सुबह में ना 2 घंटे, लगभग 2 से 1.5 घंटे भी अगर पढ़ लेती हूँ तो ये मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, तो जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाता है ना तो उसके बाद सीरियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है। और अभी हमें सीरियस होना भी चाहिए, क्योंकि अभी ना एक एक दिन मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक दिन वेस्ट करेंगे ना आप 1000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे। आप में से बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी एक बुक को अच्छे से फॉलो कर लीजिए जीके की, वो सोशल साइंस के लिए इनफ होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम पढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी किरण पब्लिकेशन की सोशल साइंस की गाइड बुक। ये सिलेबस पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, NCERT SCERT को भी फॉलो करती है। तो ये एक ऐसी बुक है ना कि जो आपको टारगेटेड मटेरियल देगी, और टारगेटेड मटेरियल को ही पढ़ना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस बुक की हेल्प लेंगे ना तो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, सुबह के 7:45 हैं और ज्योग्राफी में मेरा बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, उन नदियों के बारे में पढ़ा। और एक टॉपिक मेरा बचा हुआ था मृदा, तो मृदा बहुत ही इजी टॉपिक था, मैंने इस पर 15 मिनट ही स्पेंड किया होगा और ये सारा मुझे समझ आ गया। और फाइनली जो मेरा नोट्स है ज्योग्राफी का, वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। मेरा टारगेट था कि 5 नवंबर तक कंप्लीट करना है, तो अभी मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि 10 नवंबर तक, 5 से लेकर 10 नवंबर तक जो मेरे पास हिस्ट्री का नोट्स है, आपने देखा होगा कल की वीडियो में कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इस कॉपी में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स बनाया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैं यहाँ से कंप्लीट करूँगी नेक्स्ट 5 डेज में। तो अभी तो फिलहाल मैं इतना ही पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मुझे किचन का काम भी है करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में। आप सबको पता चल ही गया होगा कि नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, तो अब ना सीरियसनेस आपके अंदर आ जाना चाहिए। अभी अब एक भी दिन वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पता है आपको, अगर आप एक दिन वेस्ट करेंगे ना तो आप 1 या 2 हज़ार स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी 9th, 10th और 11th, 12th में भीड़ नहीं होगी, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम क्या होता ना कि जितनी वैकेंसी आई थी उससे कम कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। वो इसलिए क्योंकि एस्टेट जो है वो 2019 में हुआ था, और 2019 में एस्टेट एग्ज़ाम में मैक्सिमम बिहार के स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पर ना बहुत कम भीड़ थी, और इसलिए कम नंबर लाने पे भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एस्टेट में 3 लाख+ लोग जो है वो पास हुए हैं, और उतने लोग पास तो हुए ही हुए हैं, प्लस कि वो केवल बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं, वो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स हैं। तो फाइट तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। लास्ट टाइम में बहुत कम भीड़ थी, तो वहाँ पर चल जा रहा था कि चलो थोड़ा बहुत भी पढ़ा, जिन्होंने पढ़ाई करी, जिनका बहुत कम नंबर भी आया, उनका भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार अगर आपको 9th, 10th, 11th, 12th में या फिर 6 to 8 में बनना है टीचर, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 6 to 8 का भी देख लीजिए, CTET Paper 2 पूरे देश भर में कितने सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। मानती हूँ कि हर स्टेट से, मतलब बिहार में फॉर्म फिल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स को तो आप ले ही सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल UP, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़, ये जो मतलब सटे हुए स्टेट्स हैं बिहार से, वो तो अप्लाई करते ही हैं बिहार में, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। मुझे एक बात बहुत ख़राब लगती है BPSC की, कि वो सिलेबस को डिफ़ाइन नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब KVS प्राइमरी का जो सिलेबस था वो कितना अच्छा था, उन्होंने साइंस पे बेस्ड थीम बता दिए थे और कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट ये सिलेबस को ना बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं करते, बस कह देते हैं कि जो भी NCERT SCERT में है उसका अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक आएगा। बताइए, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक? और BPSC चेयरमैन ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, मतलब वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो इजी सेट करेंगे, जैसा उन्होंने लास्ट टाइम किया था, एकदम टफ क्वेश्चन सेट किए थे। इस बार भी लगता है उनका मूड यही है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट करें। तो देखिए, वैसे अगर क्वेश्चन टफ भी सेट होता है ना, तो वो है कि कट ऑफ कम चला जाता है फिर, और अगर क्वेश्चन ईजी सेट होता है तो कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में ना
ऐसा होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होने चाहिए, कुछ इजी भी होने चाहिए और कुछ टफ भी होने चाहिए, मतलब तीनों क्वेश्चंस का, तीनों टाइप के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि वो कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर इस वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले भी कह रही थी कि देखिए दिवाली DLED वाले स्टूडेंट्स ने बनाया है, न्यू ईयर हम BEd वाले कैंडिडेट मनाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले से बहुत मोटिवेट कर रही थी कि पढ़िए पढ़िए, क्योंकि मुझे पता था कि वैकेंसी तो आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना मुद्दा चुनाव होता है और चुनाव जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि इलेक्शन है इसलिए वैकेंसी है, ये सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा अगर आप एक कैंडिडेट है ना तो आपका लेना देना केवल और केवल आपकी पढ़ाई से और वैकेंसी से होनी चाहिए, कि वैकेंसीज रिलीज होनी चाहिए और आपका मेहनत पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने मेहनत करी है तो वैकेंसी फिर कभी भी रिलीज़ की जाए और कितने कम टाइम में भी एग्ज़ाम ले लिया जाए आप उसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और आपको पता है सबसे अच्छी बात यही है कि वैकेंसी को ये 2 महीने में क्लियर करेंगे, क्योंकि देखिए एक ना वैकेंसी निकालने के बाद उसको जब लटका के रखा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीमोटिवेशन होता है। जैसे KVS में ही देख लीजिए, मतलब प्राइमरी का स्कोर कार्ड तो उन्होंने बहुत पहले रिलीज़ कर दिया था बट उसका रिज़ल्ट वो दे नहीं रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीमोटिवेशन हो रहा था कि एग्ज़ाम तो दे दिया बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसीलिए ना मुझे इस सेंस में बिहार बहुत अच्छा लगता है कि चलिए 2 महीने में एग्ज़ाम भी ले लेंगे, जॉइनिंग तक करवा देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अदर स्टेट का अगर आप हाल देखेंगे ना, UP और झारखंड को ही देख लीजिए, UP में तो वैकेंसी आ नहीं रही और झारखंड का तो हटाइए, वो तो ऐसा स्टेट है ना कि वैकेंसी आएगी भी ना तो वो कभी क्लियर नहीं होगा, अगर क्लियर भी होगा ना तो हर एक सीट वहाँ पर मतलब बिका हुआ रहता है। तो ये दोनों स्टेट्स का तो ये हाल है, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता। अगर आप कोई अदर स्टेट से भी हैं तो आप बताइएगा कि वहाँ पर टीचिंग वैकेंसी की क्या हालत है। अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे ना, मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो मुझे हर दिन के बोरिंग रूटीन से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब मैं कितने दिनों से चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ और वो हो ही नहीं पा रहा था, मतलब मेहनत तो कर रही थी बट रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा था। और अगर मान लीजिए यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया तो वाओ, मतलब मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी वाओ हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं अगर वो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छी बात आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप अपने पैशन को एंजॉय करते हैं और पैशन अगर प्रोफेशन बन जाता है तो प्रोफेशन में भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जितने भी मतलब हाउसवाइफ कैंडिडेट्स हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी ना अपना 100% दीजिए। आप ये मत देखें कि कॉम्पिटिशन कितना है, कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिशन ना सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आज 5 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 6 घंटे पढ़िए, परसों 7 घंटे पढ़िए। देखिए जो इंसान हर दिन खुद को हरा सकता है ना वो पूरी दुनिया को हरा सकता है, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को नहीं हरा सकता है फिर उसकी बात ही मत कीजिए, उसका कंपटीशन फिर वो पूरी दुनिया से कभी भी कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ना हर हाल में आप ये सोचिए कि आपका कंपटीशन खुद से है। जिस दिन आप अपने आप को हराना सीख जाएंगे उस दिन आप जीतना सीख जाएंगे। जस्ट गिव योर बेस्ट, क्योंकि आपको पता है जब आप अपना बेस्ट देंगे ना और बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको एक संतुष्टि रहेगी कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया था उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मतलब थोड़ी सी कमी कर देंगे तो एंड में पता है आपको क्या लगेगा कि अरे यार 2-4 क्वेश्चन और बना लिया होता तो इसमें मेरी जॉब लग गई होती, अगर 5 क्वेश्चन और कर लिया होता तो आज मेरिट लिस्ट में होती। और ये अफसोस ना सबसे ख़राब अफसोस है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे कि दी मेरा PRT में 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, तो ये बोझ ना सबसे ज़्यादा भारी लगेगा आपको पूरी ज़िंदगी भर। इसलिए मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे हर दिन कितना पढ़ूंगी तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखिए कि आप हर दिन कितना पढ़ सकते हैं, कितनी हिम्मत है आपके अंदर पढ़ने की, उतना पोटेंशियल जितना भी आपका है ना उसको 100% यूज़ कीजिए। और जब आप अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करेंगे ना हर दिन तो फिर धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, मैं एग्ज़ाम में बैठूंगी तो मेरा इतना मार्क्स आराम से आ जाएगा। फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी साइंस, और साइंस मैं एशांत की बुक से पढ़ती हूँ। और अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं एशांत की बुक को रिवाइज़ कर लूँ जल्दी जल्दी, जैसे क्लास 6, 7 और 9th और 10th का। 8th का मेरे पास एशांत नहीं है तो मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि 8th के टॉपिक ना 10th में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप एक क्लास का नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो 7th में होता है उससे थोड़ा हायर लेवल 8 होता है, 8 से थोड़ा हाई 9 होता है, तो आपको सिमिलर टॉपिक दूसरे क्लासेस के चैप्टर्स में भी मिल जाएंगे।
किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैं 2 से 3 घंटे पढ़ लेती हूँ और उसके बाद ये क्लीनिंग का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना प्राइमरी मेरी पढ़ाई है और मेरा जॉब है, सेकेंडरी है ये सब साफ़ सफाई करना, और जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तब मैं इसको टर्शरी कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी साफ़ सफाई करती रहूँ। खैर छोड़िए, अभी मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, और एक्सरसाइज मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ना क्योंकि अगर आप लॉन्ग आवर्स तक बैठ के पढ़ेंगे तो आपको मन करेगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, और बस इसी स्ट्रेचिंग की वजह से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और आज मैंने बर्न किए थे 500 कैलोरीज, और एक्सरसाइज करने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फील होता है, और बस उस फीलिंग के लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो अभी मैं नहाकर फ्रेश हो गई थी, फ्रेश होने के बाद मैंने कपड़े भी आज धो लिए हैं। देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं 2 दिन में एक बार कपड़े धोती हूँ, कभी कभी मैं 3 दिन का भी रख देती हूँ और उसको एक साथ फिर धोती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ आप कपड़े ही धोते रहेंगे, उसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप चूज़ कर लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नहाकर जल्दी से पढ़ाई करने के लिए बैठना इंपॉर्टेंट है, या नहाने जाओ तो 1 घंटे तक कपड़े धो उसके बाद उसको सुखाओ, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अपनी प्रायोरिटी जब आप सेट कर लेते हैं, मतलब आपको पता जब होता है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना ईजी होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ के कुछ करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या घर के काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप डिसाइड नहीं करेंगे, हमेशा आप दुविधा में फंसे रहेंगे और एंड में आप ना घर के काम को ही प्रायोरिटी दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि प्रायोरिटी को आपको फिक्स करना है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और जिस दिन आप एकदम क्लियर कट हो गए ना कि नहीं मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपने डिसीजन खुद लेने हैं लाइफ में, तो फिर आप अभी भी ना बहुत वाइजली चूज़ कीजिएगा। देखिए हमारे जो लाइफ है ना ये हमारे चॉइसेस के प्रोडक्ट होते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप आज हर दिन अनहेल्दी खाना चूज़ करेंगे ना तो 1 साल के बाद आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, मतलब आप ओबीज हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो जाएंगी। तो ये जो बीमारी हमें हो जाती है या फिर जो हम मोटे हो जाते हैं वो प्रोडक्ट होता है हमारी चॉइसेस का, कि जो जो हमने खाना चूज़ किया आज हम वैसे बन गए हैं, ठीक है। तो सेम वैसी हमारी लाइफ में है, आज आप चूज़ करते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे हर दिन 1 घंटे भी पढ़ना है लेकिन पढ़ना है, तो फिर आप देखिएगा कि कुछ सालों के बाद आपका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में ज़रूर कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि सरकारी नौकरी, आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे होंगे, ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे और या फिर और भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आज आप चूज़ करते हैं कि मुझे बर्तन साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं, साफ़ सफाई करनी है, तो फिर आपकी लाइफ कुछ सालों के बाद वैसे ही होगी, आप और बर्तन धो रहे होंगे, और कपड़े साफ़ कर रहे होंगे, और साफ़ सफाई कर रहे होंगे, बस यही डिफरेंस आएगा। तो आज ही आप चूज़ कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या, आपको जाना कहाँ पर है, और जिस जगह जाना है उसके लिए सही रास्ता क्या है। ये था मेरा 3rd स्टडी स्लॉट, और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लेक्चर्स बचे हुए थे तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी देखकर कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप आपका सब्जेक्ट जो भी हो, आपको क्लास 11th तक तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, उन्होंने ग्रेजुएशन कहा है, बट फिर भी आप 11th और किसी किसी टॉपिक को 12th क्लास तक भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन देखा है 9th-10th का, मतलब मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 11th क्लास से पूछे गए थे, और साइंस में तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि 12th क्लास से पूछे गए थे, तो आपको क्लास 12th तक पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए कल ना मैं अपने एस्टेट सर्टिफिकेट को सुधार करवाने के लिए या फिर उससे रिलेटेड और भी कुछ पता करने के लिए मैं जाऊंगी कल पटना BACB ऑफिस, तो मे भी ना कल का व्लॉग आपको नहीं मिले, क्योंकि ये ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी है और वहाँ जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल मेथड क्या है। कि अगर मान लीजिए हम फॉर्म अप्लाई भी कर रहे हैं और हमारा कुछ गलत हो गया है, जैसे कैटेगरी गलत हो गया या फिर फादर्स नेम गलत हो गया है, तो उसके लिए वो क्या हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, और जब वो सॉल्यूशन मुझे पता चल जाएगा ना और मैं अपने यूट्यूब से सबको बताऊंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से भी मैं कल जाऊंगी BACB ऑफिस और अपना एक्सपीरियंस आपको एकदम सही सही प्रोसेस बताऊंगी कि अगर एप्लीकेशन सबमिट करना है तो उसे कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले किससे मिलना है, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपका भी मिस्टेक है
तो आप भी कल आ सकते हैं BACB ऑफिस। अगर किसी को मेरे से मिलना है तो आप भी आ सकते हैं, इससे क्या होगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा मिल भी लूँगी। तो यही था मेरे पूरे दिन का व्लॉग। इसके बाद मैं रात में डिनर प्रिपेयर करने में लग गई थी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी आप अपना नाइट रूटीन भी शेयर कीजिए, तो ज़रूर किसी वीडियो में अपना नाइट रूटीन भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आखिर मैं रात में कितने बजे तक पढ़ती हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मोटिवेशन लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और तुरंत फॉलो कर लीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।